नमस्ते मित्रों, आज आप बनावीशु खजूर रोल जे खावामां खूब ज स्वादिष्ट लागे छे अने तेटलो पौष्टिक पण छे। तो चालो बनावीए खजूर रोल। खजूर रोल बनावा माटे मैं अहीं लीधेल छे 500 ग्राम खजूर। अहीं सॉफ्ट होय तेवो खजूर ज्यूस करवानो छे। सौ प्रथम आ खजूर ने साफ करी तेमांथी ठळिया दूर करी देवाना छे। तमे अहीं आ खजूर ने साफ करी ठळिया काढी अने मिक्सर में क्रश करीने पण लई शको छो। साथे ज मैं अहीं लीधेल छे 50 ग्राम बदाम, 50 ग्राम काजू अने 50 ग्राम अखरोट तेमज कोपरू, पिस्ता अने किसमिस में अहीं 30 ग्राम लीधा छे। आ ड्राय फ्रूट्स ने सब नानकड़ा टुकड़ा में कट करवाना छे जेथी रोल कट करती वखते रोलनो प्रोपर शेप आवे। अहीं पिस्ता ने मैं थोड़ा स्लाइस में कट करेल छे तेमज थोड़ा पिस्ता नाना टुकड़ाओं में कट करेल छे। स्लाइस में कट करेल पिस्ता ने आपणे गार्निशिंग में यूज करीशुं। तेमज 15 ग्राम खसखस लीधेल छे, चपटी एलची पाउडर। मैं अहीं जायफळ पाउडर स्कीप करेल छे, तमे चपटी जायफळ पाउडर पण अहीं लई शको छो। तेमज ड्राय फ्रूट्स नी क्वॉंटिटी में तमे वधघट करी शको छो। खजूर रोल बनावा माटे सौ प्रथम आपणे खसखसने ड्राय रोस्ट करीशुं। स्टवनी फ्लेम सब स्लो राखी अने हळवा एवा शेकवाना छे। खसखसने आपणे मात्र 30 सेकंड ज शेकवाना छे जेथी तेमां रहेलो भेज दूर थाय। सेम पेन में कोपरू पण हळवो एवो ड्राय रोस्ट करीशुं। कोपरा ने मात्र 30 सेकंड माटे ज ड्राय रोस्ट करवानुं छे। नेक्स्ट प्रोसेस माटे तेज कढ़ाई में हवे हूँ एड करू छू 1 टेबलस्पून घी। घी हळू एवं गरम थता ज हवे तेमां एड करू छू बारीक कापेला बदाम, काजू, अखरोट तेमज पिस्ता। अहीं घी साथे ड्राय फ्रूट्स ने हळवा एवा शेकीशुं। आ प्रोसेस करवाथी तेमां रहेलो भेज दूर थाय छे जेथी लांबो समय सुधी आपणी रेसिपी खराब थती नथी तेमज सरस क्रंचीनेस अने सरस स्वाद पण आवे छे। अहीं स्टवनी फ्लेम साव स्लो राखीने अने शेकवाना छे। आने मात्र 1 मिनिट माटे शेकवाना छे। 1 मिनिट पछी हवे तेमां हूं एड करू छू किसमिस। बराबर मिक्स करीशुं। हवे हूं स्टवनी फ्लेम ऑफ करी दऊं छूं। शेकेला ड्राय फ्रूट्स ने हूं प्लेट में लई लऊं छूं। नेक्स्ट प्रोसेस माटे सेम पेन में हूँ लू छू 1 टेबलस्पून जेटलू घी। साथ एड करीशू कट करेलो खजूर। अहीं घी अने खजूर सरस एकरस थई जाय त्यां सुधी आ खजूर ने आपणे धीमा धीमा तापे अहीं शेकीशुं। मात्र 2 मिनिट्स में आ खजूर घणो खरो सॉफ्ट पड़ी गयो छे। हजू पण आपणे आने बधु कूक करवानो छे। साव सॉफ्ट पड़े त्यां सुधी धीमा धीमा तापे अने शेकवानो छे। 5 मिनिट पछी अहीं आपणे जोई शकीए छीए के घी अने खजूर सरस एकरस थई गयो छे। कढ़ाई पण छोडवा लागी छे। आ समये तेमां हूँ एड करूं छूं ड्राय रोस्ट करेलुं कोपरू। अहीं स्टवनी फ्लेम साव स्लो ज राखवानी छे। खसखस तेमांथी अर्धा खसखस आपणे गार्निशिंग माटे यूज करीशुं। ड्राय फ्रूट्स बधुं मिक्स करीशुं। मित्रों शियाळानी सीजन आवी रही छे अने आ सीजन में घर में खजूरनी अवनवी रेसिपीज बनती होय छे। खजूरनी घणी बधी वेराइटीज जेवी के खजूरना लाडू, खजूर बिस्किट पाक, मावा खजूर पाक वगैरे रेसिपीज मैं चैनल पर शेर करेली छे। आ रेसिपी साथे तेमनी लिंक पण आपू छूं। आप लिंक खोली अने खजूरनी अवनवी रेसिपीज मारी चैनल पर जोई शको छो। अहीं आ सारी रीते मिक्स थई गयुं छे। तो हवे आने एक प्लेट में लई लईए। थोड़ी वार माटे आने रेस्ट आपी दईए। हाथथी अडी शकाय एटलुं ठंडू पड़ता ज नेक्स्ट प्रोसेस करीशुं। आ मिश्रण हाथथी अडी शकाय एटलुं ठंडू पड़ी गयुं छे। हवे तेमां हूँ एलची पाउडर एड करूं छूं। एलची पाउडर ने तमे ड्राय फ्रूट साथे पण एड करी शको छो। फरी बधुं सारी रीते मिक्स करीशुं। अहीं एलची पाउडर ने साथे तमे चपटी जायफळ पाउडर पण लई शको छो। हवे मिश्रणमांथी रोल तैयार करवानो छे। हवे आने आपणे डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर ज रोल करीशुं जेथी रोलनो प्रोपर शेप आवे। आ प्लेट्सने मैं सारी रीते क्लीन करी लीधी छे। अहीं खजूरनो आ रोल बनीने तैयार छे। હવે તેને ગાર્નિશ કરવા માટે થોડા ખસખસ યુઝ કરીશું। પ્લેટફોર્મ પર થોડા ખસખસ સ્પ્રિંકલ કરીશું, થોડા સ્લાઇસમાં કટ કરેલા પિસ્તા ફરી આ રીતે રોલ કરીશું। ખૂબ જ હળવા હાથે આ પ્રોસેસ કરવાની છે, તેમજ પૂરા રોલ પર ઇવનલી મિક્સ થાય એ રીતે ખસખસ અને પિસ્તા સ્પ્રિંકલ કરવાના છે। હવે તૈયાર થયેલા આ રોલને હું ફોઇલ પેપરમાં લઈ લઉં છું। આ રીતે ધીમે ધીમે રોલ કરતું જવાનું અને ફોઇલ પેપર વીંટાળતું જવાનું છે। ફોઇલ પેપર વીંટાળી દીધા બાદ હળવેથી આ રીતે રોલ કરી લેવાનું। રોલ થઈ ગયા બાદ બંને સાઈડના જે એન્ડ્સ છે તેને ધીમેથી પેક કરી દેવાના। જે રીતે ચોકલેટમાં હોય સેમ એ જ રીતે આપણે બંને સાઈડના એન્ડ પેક કરીશું। હવે આ રોલને 1 કલાક માટે રેફ્રિજરેટરમાં રાખી અને રેસ્ટ આપીશું, જેથી સરસ સેટ થઈ જાય। સેટ થઈ ગયા બાદ આપણે કટ કરીશું। 1 કલાક જેટલો ટાઈમ થઈ ચૂક્યો છે અને આ રોલને મેં ફ્રીજમાંથી બહાર લઈ લીધો છે, તેમજ આ રોલ પણ સરસ સેટ થઈ ગયો છે। હવે આમાંથી નાનકડા ટુકડાઓ કરીશું। આ રોલને મેં 10 મિનિટ પહેલાં ફ્રીજમાંથી લઈ લીધો છે। ખૂબ જ સરસ ટેમ્પટિંગ દેખાય છે। અંદર આપણે જે ડ્રાયફ્રૂટ્સના ટુકડાઓ એડ કરેલ છે ખૂબ જ ટેમ્પટિંગ દેખાય છે। તો અહીં આપણા ખજૂર રોલ બનીને તૈયાર છે। જેવા ટેમ્પટિંગ દેખાય છે તેવા સ્વાદિષ્ટ અને પૌષ્ટિક છે। મિત્રો, આ સિઝનમાં ખજૂરનું સેવન ખૂબ જ લાભદાયી છે, તો તમે આ રીતે જરૂરથી બનાવજો। ખજૂર રોલ બનાવવાની મારી આ રીત સારી લાગે તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।